200 मेगापिक्सल कैमरा फोन, इससे तो ऐसे कर कुछ देख भी सकते हैं। Oh my God! Wow! And guess what? Xiaomi की तरफ से, तो Xiaomi fans excited! Xiaomi के जो Redmi Note series होते हैं काफी popular होते हैं और जाना जाता है एक value for money product के लिए। क्या ये value for money है? खुशबू तो मस्त आ रही है, मजा आएगा। आई ये तो कैप की तरह लग रहा है, इसको ऐसे पहन लूं। अर्ज किया है, ये बातें बताई नहीं जाती, वाह तो बोलो। अर्ज किया है, लाल तो ये फिसल रहा है। तो यहाँ पर ये है, यहाँ लिखा है सुपर नोट। ओके, और ये रहा मोस्ट खुल जा खुल जा खुल जा, और ये रहा Redmi Note 12 Pro Plus 5G। मैं क्या बेचारिया, ओह स्पेशल फोन के लिए स्पेशल रामपुरी। ओह अच्छा, ये सिम इजेक्टर टूल है, मुझे लगा ये छोटा सा तरीका रामपुरी है। फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, जिसके भी आज बर्थडे है 200 मेगापिक्सल वाला केक काट देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। Redmi by Xiaomi, काफी मोटा बॉक्स है यार। ये सिम इजेक्टर, एग्जाम का सिलेबस जिसे कोई नहीं पढ़ता, और ये कवर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से मुझे आपका भविष्य भी दिख रहा है। तोड़ता हूँ मरोड़ता हूँ सीधा हो जाता है, तो क्वालिटी अच्छी है। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओए होए 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 200 मेगापिक्सल कैमरा फोन। नेक्स्ट ये बॉक्स में टाइप सी, लेंथ लंबी है। ओ भाई साहब 120 वॉट चार्जर। ओके, सबसे पहले इसका डिजाइन देख, बैक से ये ऐसा दिखाई देता है और फ्रंट से ऐसा, एंड यार डिजाइन इज गुड, काफी सिंपल और सोबर रखा है। इसका जो बैक है ये ग्लास है और इसमें ग्लॉसी फिनिश है, हाथ में पकड़ दे तो फील्स गुड, और फोन का डिस्प्ले देखने में थोड़ा सा चौड़ा भी लगता है। ये ग्लास है, ये हमारा चाकू, टेस्टिंग कर ली जाए। पहले हल्की सी स्क्रैच करते हैं, ये देखो नहीं हुआ, अब थोड़ा हार्ड करते हैं। स्क्रैच तो नहीं आने चाहिए देखो, और ये स्क्रैच नहीं आ रहे हैं। ओहो कुछ नहीं हुआ, सो बिल्ड क्वालिटी गुड। 8.9 mm इसकी थिकनेस है, वेट देखते हैं। ओके 209 ग्राम, ठीक है, वेट ठीक है, इतना हैवी फील नहीं होता। इसमें IP53 रेटिंग है, इसका एक बार हैप्टिक चेक कर लेते हैं। हो फुल फील आती है, हैप्टिक फीडबैक बहुत सही है यार। इसका डिस्प्ले ये 6.67 इंच का है, AMOLED डिस्प्ले है, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 240 Hz टच सैम्पलिंग रेट है, और 1 billion कलर है। डिस्प्ले में डॉल्बी विजन प्लस HDR10+ का सपोर्ट है, और कलर्स तो देखो भाई साहब, ओ हो, डीप ब्लैक पंची कलर है, कलर्स बहुत ही प्यारे नजर आ रहे, वाइब्रेंट कलर्स है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो फोन का बहुत ही सही है, ऊपर की साइड और साइड बेजल देखो काफी मिनिमल है, यूजली चिन में काफी बेजल्स होते हैं बट इसमें नहीं है। डेफिनेटली जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है काफी बढ़िया लग रहा है। बाकी फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 है, वाइड 1L1 सर्टिफिकेशन है, इसका मतलब समझ रहे विनोद, फुल HD में गोरिल्ला ग्लास 5 टेस्टिंग। ओ चलो बच गया, कुछ नहीं हुआ। एक ये चीज देखो यार, देखो जब आप कोई YouTube वीडियो ओपन करते हो तो यहाँ पर ये देखो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है वीडियो टूल बॉक्स, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टाइल देने के लिए, यहाँ पर आप अपने हिसाब से वीडियो को कलर दे सकते हो। देखो ये वीडियो चल रहा है और इसको अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ये देखो पूरा वीडियो आप ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ये देखो भाई साहब। और ये देखो यार डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट भी है, 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, ये 25%, ये 50%, और ये 75%, और ये 100%। तो डिस्प्ले देखा जाए तो काफी ब्राइट है, ये देखो। बाकी सेटिंग्स पे जाते हैं, डिस्प्ले पे जाते हैं, और ये रिफ्रेश रेट, यहाँ पे कस्टम पे जाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश रेट ऑप्शन है 60 Hz से लेके 120 Hz। जो रिफ्रेश रेट दे रखा है ये एक डायनेमिक रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले है वो काफी स्मूथ फील होता है 120 Hz पे, ये देखो। ओ हो, ये नीचे सिम स्लॉट टाइप सी, स्टीरियो स्पीकर, ये डुअल सिम स्लॉट है, नो एसडी कार्ड। वैसे एसडी कार्ड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें 256 GB स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। साउंड लाउड है, कोई इशू नहीं आएगा। राइट साइड में ये वॉल्यूम बटन, ये पावर बटन है, और यही फिंगरप्रिंट स्कैनर है, देखो पावर बटन दबाओ और टच करो, ये अनलॉक हो जाता है, तो फास्ट है यार फिंगरप्रिंट भी। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, ऊपर की साइड में ये आईआर ब्लास्टर, नॉइस कैंसिलेशन, और ये स्पीकर, और ये 3.5 mm जैक है, गड्ढा है। के बैक में 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। 16 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, इवन 108 मेगापिक्सल भी सुने थे, बट 200 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन। ये 200 मेगापिक्सल का कैमरा HPX सेंसर है विद OIS, और ये सेगमेंट फर्स्ट कैमरा है, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे 200 मेगापिक्सल का कैमरा कोई नहीं दे रहा, और ये फर्स्ट फोन है जिसमें HPX सेंसर दिया गया। इसके लिए Xiaomi को एक रोडीज वाला सल्यूट तो बनता है। बाकी एक ये 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा और 2 मेगापिक्सल मैक्रो, और ये फ्रंट 16 मेगापिक्सल का। इनकी फोटो लेते हैं, ओहो ओके, और एक ये 2x 0.6, ओके, तो ये आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन की फोटो। ओके ये देखो कलर्स भाई साहब बहुत ही बढ़िया दिए हैं, एकदम नेचुरल कलर लग रहा है, और एक ये 2x है, ये देखो, और इसमें देखो भाई साहब डिटेल्स तो देखो भाई साहब बहुत ही खतरनाक है। अल्ट्रा वाइड में कलर्स थोड़े से डिफरेंट आते हैं यार। ये 200 मेगापिक्सल कैमरे से अपनी नहीं ली तो क्या ली, भाई मुंह की बात छील ली। और स्किन टोन देखो भाई साहब बहुत ही प्यारा है, और अगर हम जूम करते हैं छोटी देखो जो गिनी चुने मुझे वो दिखा दे रहा है यार, देख रहा है बिनो, इसका मतलब समझ रहे हो कैमरा अच्छा है। 200 मेगापिक्सल टेस्ट करने बाहर आ गए, और ये रहा 200 मेगापिक्सल। ये फोटो लेते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, ओके
ये देखो 200 मेगापिक्सल की इमेज, ओए होए 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 होए, जूम करो ये देखो, ये उड़ती हुई चिड़िया थी भाई साहब, ये देखो कैप्चर कर लिया, फोटो एकदम स्टेबल आई है, ये देखो एक ये फोटो देखो, डायनेमिक रेंज क्या जबरदस्त आया, स्काई कलर्स देखो, स्काई एकदम क्लियर से है और देखो कितना मस्त प्यारा कलर दिया है। अगर हम इसको जूम करते हैं, डिटेल्स चेक करते हैं, ये देखो ओ तेरी, ओ हो हो, 200 मेगापिक्सल में तो भाई साहब डिटेल जबरदस्त है। ये देखो यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है इसको भी आप इजिली काउंट कर सकते हैं, देखो 1 2 3, डिटेल्स तो गजब है यार। और एक ये अल्ट्रा वाइड एंगल से फोटो देखो भाई साहब, क्या मस्त निकल गया, स्काई का कलर देखो, और ये देखो यार कलर्स बहुत ही अच्छे देता है, ये देखो एकदम नेचुरल कलर लग रहा है, ये देखो। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, ये जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है दम है भाई साहब, इसमें कैमरा सेटिंग में आपको प्रो मोड, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट मोड और मोर का ऑप्शन मिल जाता है, कई सारे ऑप्शन है, अल्ट्रा एचडी व्लॉग है, एआई वाटरमार्क है, ओ और एक ये भी है, बाकी वीडियो में 720p, 1080p, 1080p 60fps और 4K 30fps पे सपोर्ट है। वीडियो में जाके एक बार फोकस चेक कर लेते हैं, काफी फास्ट है फोकस, ये देखो एकदम फोकस कर लेता अच्छे से, और एक बार इमेज प्रोसेसिंग भी चेक कर लेते हैं, ओके ये फास्ट है, ये देखो एक वो सेल्फी ले लेते हैं, एंड ये देखो यार सेल्फी क्या बात है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, सेल्फी हाँ हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, स्किन टोन काफी अच्छा यार आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से। एक ये पोर्ट्रेट मोड से, और पोर्ट्रेट मोड में ये देखो भाई साहब एज डिटेक्शन कोने कोने में देखो, बहुत सही है, एजेस काफी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है, और सेल्फीज भी काफी अच्छे निकल के आते हैं, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। Overall, I love the camera. बाकी इसमें MediaTek Dimensity 1080 चिप दे रखा है। ये एक 6nm वाला चिप है। भाई साहब इस प्रोसेसर को हल्के में मत लेना, ये आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। इसका Android score आप देख सकते हो 4,96,000 प्लस निकल के आया है, ऑलमोस्ट 5 लाख के बराबर है, जो एक काफी अच्छा स्कोर निकल के आया है। एंड इस चिप को काफी अच्छा ऑप्टिमाइज किया है Xiaomi ने, CPU थ्रॉटल परसेंटेज 94% है, मतलब समझ रहे हो दया, समझ रहे हो, नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, चिप वेल ऑप्टिमाइज है और थ्रॉटल नहीं करता, बट असली परफॉर्मेंस तो खेल के ही पता चलता है। पे रो गेमिंग का वेट कर रहे हो, एक बार सेटिंग्स चेक कर लेते हैं, ग्राफिक्स पे जाते हो, स्मूथ है, बैलेंस है, एचडी है, एचडीआर है, अल्ट्रा एचडी नहीं है, एचडीआर पे अल्ट्रा है और स्मूथ पे एक्सट्रीम है, ओके यहाँ पे देखो गेम मोड भी है, एनडी रिकॉर्ड वॉइस चेंजर है, ओके सबसे पहले ग्राफिक्स, ये देखो भाई स्मूथ एक्सट्रीम पे एकदम मक्खन गेमिंग चल रहा है, स्मूथ गेम प्ले है, ओ वीडियो पसंद आ रही है, हाँ तो क्या कर रहे हो यार, ठोको ठोको ठोको, वो लाइक बटन दिख रहा है, ठोक दो, ओ हमसे पंगा लेगा यार, मनोज सारो इज हियर, एक और चीज में गेमिंग के लिए वेपर चैम्बर कूलिंग टेक्नोलॉजी है, गरम तो नहीं लग रहा डिवाइस, पीरो मनोज सारो से लड़ेगा ये, पीरो मनोज सारो से बताओ, उनको बताओ हम पीरो मनोज सारो है। फोन में गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, गेम एकदम मक्खन लैग फ्री चल रहा है, कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला मुझे देखने को। बाकी ये स्टोरेज 256GB वाला वेरिएंट मेरे पास है, जिसमें 222GB अवेलेबल है, 12GB रैम है प्लस 3GB एक्सटेंडेड रैम है, LPDDR4X और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। टचिंग टेस्ट कर लेते हैं, ये सारे ऐप्स मैंने क्लोज कर दिए, ओके ये गैलरी ओपन करते हैं, ओके ये फास्ट है प्ले स्टोर, ओहो ये तो फास्ट है, ये देखो एकदम से फटाक से ओपन हो जा रहा है, गेम सेंटर क्या बात है, ये गूगल क्या बात है, टच करते देख लो ओपन हो जा रहा है। सो ये देखो मल्टीटास्किंग फास्ट है यार, इसमें 4980mAh की बैटरी है, सबसे तगड़ी चीज ये देखो ये 120W चार्जर के साथ आता है, आपको बॉक्स में ही ये 120W का चार्जर मिलेगा, ये हाइपर चार्जर है, वो चार्ज करके देख लेते हैं, ओ हो 5:30 टाइमिंग हो रहा है, 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, देखते कितना चार्ज होता है, ये देखो बैटरी हो गई 31%, 5 मिनट में फोन 25-30% चार्ज हो जाता है, ये चार्जर फोन को 19 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। MIUI 13 स्टेबल वर्जन है और ये बेस है Android 12 पे, इस फोन के साथ 2 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट, 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा और टोटल 10 5G बैंड है इसमें। और अगर हम ब्लॉटवेयर देखते हैं तो देखो ऐसा कोई फालतू के ब्लॉटवेयर नहीं है, हाँ एक दो ब्लॉटवेयर है जैसे ये देखो, वैसे आप इसे डिलीट कर सकते हो, बाय बाय। देखो जब आप ऐप डाउनलोड करते हो ये देखो कोई ऐड नहीं आ रहा, इतना भी मैंने फोन को टेस्ट किया है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस फोन का बहुत ही अच्छा है, जो कैमरा है तो इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, HPX सेंसर प्लस OIS के साथ, ये सारी चीजें देना इस प्राइस पॉइंट पे, मेरी तरफ से बिग थम्स अप Xiaomi को। सबसे बड़ी बात इसका 120W हाइपर चार्जर काफी इंप्रेसिव है, फोन में गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, ये सारी चीजों को हम मिलाते तो फोन काफी तगड़ा पैकेज लेके आता है, ये फोन अंडर 30,000 rupees में आने वाला है, आपकी क्या राय है, राय तो अभिषेक बच्चन की है, आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट में बताना, जाते जाते वीडियो लाइक करना है, और मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।